You couldn't escape the bad news then. Everyone was talking about a global recession. The Federal Reserve is expected to raise interest rates for the eighth time over the past year to combat stubbornly high inflation. Global growth will slow to 1.7%. The world's richest economies are slowing down. Inflation has peaked in India, while growth has tanked or is tanking. Every second headline mentions recession. और इन सारे factors को सामने रखते हुए अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि मंदी आ गई है। बैंकिंग, हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम लोग बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं और बैंक्स उसी पैसे को बाकी लोगों को लोन पर दे देता है, एंड दिस इज हाउ बैंक्स आर मेकिंग मनी। लेकिन द रियलिटी इज कि बैंक्स ऐसी बहुत सारी चीजें करती हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। यू सी, जब हम लोग स्कूल और कॉलेज में होते हैं तो शायद ही हमें कोई पैसे के बारे में कुछ बताता है, हमें शायद ये बात पता लगती है कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बैंक्स आखिर इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशंस क्यों और कैसे हैं? ये सब कुछ जानबूझकर करा जाता है। यू सी, डेलिब्रेटली बैंकिंग सिस्टम्स को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है कि वो आम आदमी के कभी समझ में ही ना आए, जिस चीज के चलते आज अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब हो रहे हैं। कंपनीज लोगों को जॉब से निकाल रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है, रिसेशन बहुत ही ज्यादा करीब है, एंड बैंक्स इस चीज में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट बैंकिंग एक ऐसा वेपन है जिसको आज यूएस यूज कर रहा है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी भी देश की गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट कर दे तो दैट कॉजेज हाइपर इन्फ्लेशन, समथिंग सिमिलर जो कि वेनेजुएला के साथ भी हुआ था। बट यू नो व्हाट, देयर इज मोर टू इट, क्योंकि बैंक्स आर सो पावरफुल कि वो लोग बिना करेंसी नोट्स को प्रिंट करे भी किसी भी इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकते हैं। लेकिन कैसे? वेल, इस चीज को समझने के लिए एट द वेरी फर्स्ट प्लेस हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंक्स आखिर काम कैसे करते हैं। सो सी, मान लो मैं आदित्य एक बैंक के अंदर जाकर 1000 रुपए डिपॉजिट करता हूँ। अब बैंक यही 1000 रुपए को लेकर इसमें से कुछ अमाउंट आगे दे देगा फॉर सपोज एक दूसरे बंदे को प्रदीप एज लोन, और उससे इंटरेस्ट कमाएगा। बट द कैच ओवर हियर इज कि जैसे ही मैंने बैंक के अंदर 1000 रुपए डिपॉजिट करे, बैंक्स ने उस करेंसी को कन्वर्ट कर दिया डिजिटल करेंसी के अंदर, यानी कि डिजिट्स के अंदर, और उसके बाद यही डिजिट्स जब बाद में प्रदीप बैंक के पास लोन लेने आया, उसके अकाउंट में ये डिजिट्स क्रिएट कर दिए गए, क्रेडिट कर दिए गए। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि जो पैसा आया था वो तो बैंक्स ने आगे लेंड कर दिया। नाउ हाउ इज बैंक मेकिंग एनी मनी? वेल, इट इज सुपर सिंपल। मान लो मैंने बैंक के अंदर 1000 रुपए डिपॉजिट करे और बैंक मेरे को 3% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो जब बैंक मेरे यही 1000 रुपए आगे लेंड करेगा टू प्रदीप, तो प्रदीप से बैंक चार्ज करेगा 5% का इंटरेस्ट रेट, विच मेक्स कि जो बीच का 2% है वो बैंक की इनकम हो जाएगी, बिकॉज 3% बैंक्स मेरे को वापस कर रहे हैं। बट दिस इज जस्ट वन वे जिससे बैंक्स पैसे कमाते हैं, बिकॉज इन रियलिटी बैंक्स और कई सारे तरीकों से बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड कमीशंस, इंश्योरेंस कमीशंस, एटीएम चार्जेस, और तो और SMS भी, जो बैंक की तरफ से आपको SMS आता है वो भी चार्जेबल होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है दैट बैंक्स क्रिएट मनी एंड देयर इज नो लिमिटेशन टू इट। बैंक्स जितना चाहे उतना पैसा क्रिएट कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो सी, बैंक्स ऑपरेट करते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के ऊपर। मान लो मैंने बैंक के अंदर 1000 रुपए डिपॉजिट करे, नाउ व्हाट द बैंक विल डू इज बैंक ये 1000 रुपए लेकर इसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसके बाद बैंक को एक लीगल रिजर्व रेशियो को फॉलो करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि जिसके अंदर ये दो चीजें आती है। नंबर वन, द कैश रिजर्व रेशियो, विच मीन्स कि बैंक को कुछ अमाउंट जो उनके पास डिपॉजिटर से आया है उसको एज कैश रिजर्व करके रखना पड़ेगा अपने पास टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट्स। मोर ओवर, इसके साथ साथ दूसरा रेशियो आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, विच मींस कि बैंक को जो डिपॉजिट से आए हैं उसमें से कुछ अमाउंट परसेंटेज साइड में रखकर आरबीआई के साथ जमा करके रखना पड़ेगा। सो फॉर सपोज कि कैश रिजर्व रेशियो है 10% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी है 10%, विच मेक्स कि टोटल लीगल रिजर्व रेशियो हो जाता है 20%। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल कि मैंने जो 1000 रुपए डिपॉजिट करे हैं उसमें से 20% यानी कि 200 रुपए बैंक्स को एज रिजर्व रखने पड़ेंगे, 10% इन कैश रिजर्व एंड 10% विद आरबीआई, जिसके बाद बैंक के पास 800 रुपए बचते हैं और बैंक यही 800 रुपए आगे प्रदीप को लेंड कर देगा। बट द थिंग ओवर हियर इज कि मैंने जब बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट करे तो बैंक ने मेरे पैसे को डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, एंड सिमिलरली जब प्रदीप ने बैंक से लोन मांगा तो उसको भी ये लोन डिजिट्स के फॉर्म में ही मिला। सो टेक्निकली जब मैंने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट करे और उसी पैसे को बैंक ने आगे प्रदीप को लोन किया, तो इस फॉर्म के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स है वो इकोनॉमी के अंदर दो हो जाते हैं, एक मेरा अकाउंट और एक प्रदीप का अकाउंट। बट इफ यू लुक वेरी क्लोजली,
ली तो जो डिजिटल मनी फ्लोट है यानी कि टोटल मनी जो इकोनॉमी में फ्लोट कर रहा है इस वक्त वो हो गया है 1800 रुपीज। मैंने जो 1000 रुपए बैंक को दिए थे वो जो मेरे को डिजिट्स में शो हो रहे हैं, एंड सिमिलरली जो प्रदीप को 800 रुपए मिले हैं बैंक से वो भी डिजिट्स के अंदर ही शो हो रहे हैं। सो टोटल आ जाता है 1800 रुपीज का। सो टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू, जैसे जैसे बैंक के पास डिपॉजिटर्स बढ़ते हैं और बोरोअर्स भी बढ़ते हैं वैसे वैसे टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो इकोनॉमी के अंदर फ्लोट कर रहा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। नाउ आई नो आप क्या सोच रहे हो कि ये तो अच्छी चीज है ना, आखिर इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ रहा है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? वेल, एक ही दिक्कत है और वो दिक्कत है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, जैसे जैसे लोगों की जेब में पैसा बढ़ता है वैसे ही एक पर्टिकुलर गुड की तरफ लोगों की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी कि नंबर ऑफ बायर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बट जो सप्लाई है वो सप्लाई तो लिमिटेड है। सो जब बायर्स बढ़ जाते हैं और सप्लाई लिमिटेड है तो उस चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जिस चीज के चलते आपकी जो करेंसी की एक्चुअल वैल्यू है, परचेजिंग पावर है, वो पावर रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि पहले जब बायर्स कम थे तो जब आप एक चीज 10 रुपए में खरीद रहे थे, अब क्योंकि बायर्स बढ़ गए हैं तो आपको वही चीज के लिए 12 रुपए देने पड़ रहे हैं। सो टेक्निकली आपके जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो चुकी है। सो टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू, एप्पल्स के एग्जांपल से समझते हैं। अगर एप्पल्स की सप्लाई स्टैग्नेंट है या फिर लिमिटेड है तो मान लो अगर आपको आज 100 रुपए के अंदर 10 एप्पल्स मिल रहे हैं, आज से 5 साल बाद जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बढ़ने लग जाएगा उस टाइम पर आपको 100 रुपए के अंदर सिर्फ 7 एप्पल्स मिलेंगे। रीजन कि जो बायर्स हैं वो बायर्स बढ़ गए हैं बट सप्लाई उतनी की उतनी ही है तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा। इन दिस केस आपके जो पैसे की वैल्यू है वो 30% से डीवैल्यू हो चुकी है, मतलब कि आप अब 30% कम सामान खरीद पा रहे हो सेम अमाउंट में। एंड दिस इज हाउ बैंक्स बिना पैसे प्रिंट करे भी इन्फ्लेशन कॉज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड बोरोअर्स इन द इकोनॉमी। सी, बैंकिंग सिस्टम्स जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही ज्यादा टफ है गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स के अंदर एक जॉब पाना। हर साल गवर्नमेंट बैंक्स की काफी सारी जॉब्स निकलती हैं, पर पता है ज्यादातर लोग इन जॉब्स के जो एग्जाम्स हैं उनको कभी क्रैक नहीं कर पाते हैं। और इसके दो रीजंस हैं, पहला कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, एंड सेकेंडली कि लोग सही से प्रिपरेशन कर ही नहीं पाते, प्लान करके पढ़ाई नहीं कर पाते, इनफैक्ट उनके जो डाउट्स हैं वो तक क्लियर नहीं हो पाते हैं और फिर एग्जाम क्रैक करने में प्रॉब्लम आती है। बट नॉट एनीमोर, क्योंकि अब इस प्रॉब्लम को अड्डा 24/7 ने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अड्डा 24/7 पिछले 6 साल से इंडिया में लीडिंग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप है। ये लोग आपकी हेल्प करते हैं टू परफॉर्म एक्सीलेंट इन 100+ नेशनल एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स इंक्लूडिंग वर्नाक एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। इनके साथ आप बैंक की प्री और पोस्ट, इंश्योरेंस या फिर किसी भी सेक्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, एंड दे हेल्प यू विद लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम एग्जाम प्रिपरेशन टिल इंटरव्यू। इनके एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलते हैं फ्री मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, नोट्स, PDFs और यहाँ तक की डेली क्विजेस भी। और पता है सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि अड्डा 24/7 एक मल्टी लिंगुअल प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। इसलिए देसी गवर्नमेंट जॉब मतलब अड्डा 24/7। सो अगर आपको लगता है कि अड्डा 24/7 आपके काम आ सकता है, देन अड्डा 24/7 का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर दे दिया है, यू कैन चेक इट आउट। बैंक्स मल्टीपल डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं व्हिच इवेंचुअली इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। नाउ आई नो आप क्या सोच रहे हो कि अगर बैंक्स ऐसे ही डिपॉजिट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एक दिन तो करेंसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट? वेल, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली होती है देन आरबीआई कम्स इनटू प्लेस और इस्तेमाल होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। आरबीआई इन दो चीजों का यूज करती है। नंबर 1 द रेपो रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आरबीआई चार्ज करती है बैंक से जब कोई भी बैंक आरबीआई से पैसे बोरो करता है। एंड सेकेंडली रिवर्स रेपो रेट, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि आरबीआई देती है बैंक्स को जब बैंक्स अपने सरप्लस फंड्स आरबीआई के साथ डिपॉजिट करके रखते हैं। अब देखो आरबीआई इसका इस्तेमाल आखिर कैसे करती है। सो करंटली रेपो रेट है 6.25%। मान लो लाला बैंक आरबीआई से कुछ अमाउंट बोरो करता है जिसके ऊपर आरबीआई को लाला बैंक 6.25% का इंटरेस्ट रेट देगा बिकॉज दैट इज द रेपो रेट। जिसके बाद अब लाला बैंक के अंदर जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट करा है, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनको भी लाला बैंक कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि मान लो उनको 4% का इंटरेस्ट दे रहा है। सो नाउ बैंक के पास जो फंड्स हैं वो फंड्स एक जगह पर 6.25% के इंटरेस्ट रेट पर उठाए गए हैं और एक जगह से 4% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर उठाए हुए हैं, जिसके बाद बैंक इस पूरे पैसे को लेकर बोरोअर्स को आगे दे देगा। बट यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो है बैंक्स के कस्टमर्स। किसी भी बैंक के ये 3 तरीके के कस्टमर्स होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल इंडिविजुअल्स, नंबर 2 HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा हाई नेटवर्थ रखते हैं, एंड थर्ड बिजनेसेस। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी नॉर्मल लोगों को और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को लोन चाहिए होता है तो वो लोन ज्यादातर उन पैसों में से दिया जाता है जो पैसा उनके पास डिपॉजिटर्स ने जमा करा है। बल्कि जब बिजनेसेस को लोन चाहिए होता है तो इन दैट सिनेरियो उन बिजनेसेस को जब पैसे दिए जाते हैं तो वो पैसे उस पैसे में से दिए जाते हैं जो कि उन्होंने आरबीआई से उठाया है। लेकिन क्यों?
वेल बिकॉज क्योंकि जो लोन्स बिजनेसेस लेते हैं उन लोन्स का जो अमाउंट है वो कंपैरेटिवली बाकी लोन से बहुत ही ज्यादा होता है. सो मान लो आरबीआई रेपो रेट को हाइक करके फ्रॉम 6.25% टू 8% कर देती है. सो इन दिस सिनेरियो जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से कम पैसा उधार लेंगे. जब बैंक्स कम पैसा उधार लेंगे तो उनके पास आगे बिजनेसेस को लोन देने के लिए कम पैसे होंगे. जब बिजनेसेस को लोन देने के लिए कम पैसे होंगे तो बिजनेसेस के पास फर्दर एक्सपेंशन या फिर बाकी चीजें करने के लिए पैसे और ज्यादा कम होंगे. सो इन दिस सिनेरियो जो बिजनेसेस हैं वो अपने एक्सपेंसेस और ज्यादा कट डाउन करेंगे क्योंकि उनको लोन नहीं मिल रहा. शायद वो एम्प्लॉयज को भी फायर करें. और जब एम्प्लॉयज को फायर करा जाता है तो एम्प्लॉयज भी अपने पैसे और ज्यादा कम खर्च करते हैं उन बिजनेसेस के साथ जहां पर वो अभी पैसे खर्च कर रहे थे. एंड दिस साइकिल जस्ट कंटिन्यूज. 1981 यूएस का फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट्स को हाइक करता है और इस कदर हाइक करता है दैट इट वेंट अप टू 19%. और आखिर रिजल्ट क्या हुआ? द हाउसिंग मार्केट कोलैप्स क्रिएटेड वन फाइनेंशियल क्राइसिस आफ्टर अनदर एंड इट ऑफन सीम्ड एज़ इफ द न्यूज़ कुड ओनली गेट वर्स. द साइंस वर everywhere, but now it's official, we are in a recession. Our projections are out the window. We look at $200 billion deficits if we can't pull off some miracles. In fact, reverse repo rate ko bhi RBI bahut hi zyada smartly use karta hai to cover up inflation. Aur ye cheez kuch aise kaam karti hai. RBI ko jab inflation control karna hota hai to wo log reverse repo rate ko hike kar dete hain. Jab aisa hota hai to banks apne zyada surplus funds RBI ke sath rakhna shuru kar dete hain because unko wahan se acha rate of interest mil raha hota hai. As a result, banks ke paas kam paisa hota hai aage loan out dene ke liye. और जब उनके पास कम पैसा होता है तो बिजनेसेस को कम पैसा मिलता है जिसके कारण जो मनी फ्लोट है वो कम हो जाता है इकोनॉमी में. और जब लोगों की जेब में कम पैसा होता है तो लोग कम खर्चा भी करते हैं. नाउ आई नो आप क्या सोच रहे हो कि अगर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंजेस करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है तो फिर टेक्निकली तो रिसेशन कभी आना ही नहीं चाहिए. जैसे ही रिसेशन आने लग जाए उसी वक्त रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को थोड़ा सा कम कर दो, मार्केट में खूब सारा पैसा फेंको और लो प्रॉब्लम सॉल्व. राइट, वेल इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया जहां पर लीगल सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्लो है. आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल. साल 2008 यूएस के अंदर लीमैन ब्रदर्स क्रैश करती है, सारी दुनिया के अंदर भयंकर रिसेशन आता है और इंडिया में इस रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा कदम उठाती है एंड दैट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आरबीआई बैंक से उनके बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज परचेज कर लेती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आरबीआई की तरफ से बैंक्स के पास और ज्यादा पैसा आ जाता है. अब बैंक्स के पास क्योंकि पैसे ज्यादा है, मोर फंड्स हैं, तो इन फंड्स का बैंक यूज करती है लोगों को लोन देने के लिए और बिजनेसेस को लोन देने के लिए ताकि मार्केट के अंदर जो पैसा है वो काफी ज्यादा रहे और रिसेशन कंट्रोल हो पाए. बट दिस इज वेयर करप्शन कम्स इन. साल 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इंडिया को रिसेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव ईजिंग अनाउंस करी बट सम पीपल यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी देश की जनता से हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ लूटने के लिए. एंड दिस इज हाउ ऑल दिस हैपेंड. आरबीआई ने सबसे पहले बैंक से खूब सारी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज परचेज करे जिसके बाद बैंक्स के पास खूब सारा पैसा आ गया. अब इनमें से बहुत सारे बैंक्स पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, गवर्नमेंट बैंक्स थे. अब हुआ क्या कि जो बिजनेसमैन थे उन्होंने पॉलिटिशियंस को ब्राइब किया, पॉलिटिशियंस ने इन बैंक्स के ऊपर प्रेशर डाला और इन बैंक्स ने उस प्रेशर में आकर 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा के लोन सैंक्शन कर दिए. बट द कैच ओवर हियर इज कि इस 20 लाख करोड़ में से 13 लाख करोड़ रुपए इन बैंक्स ने नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज जैसे कि वीडियोकॉन, रिलायंस कम्युनिकेशन, एबीजी शिपयार्ड और किंगफिशर ऐसी कंपनीज को लोन्स दिए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जब इन नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज को बैंक्स ने लोन दिए तो इन कंपनीज के पास खूब सारा पैसा आ गया और इन कंपनीज के ओनर्स ने उस कंपनी से ये पैसा, लोन का पैसा पुल आउट कर लिया अपने फायदे के लिए एंड एंड में इन कंपनीज ने अपनी बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी. और अगर आप आज भी देखो तो एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर इन सभी कंपनीज के बैंक्रप्सी केसेस चल ही रहे हैं. बट इसका जो साइड इफेक्ट है वो कुछ ऐसा हुआ, बैंक्स ने जिन कंपनीज को लोन दिया वो कंपनीज लोन को रीपे नहीं कर पा रही और उन्होंने खुद को बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया, जिस चीज के चलते बैंक्स का जो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अब इन बैंक्स को जो एक्चुअल दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि सारे बैंक्स हैवी लॉसेस के अंदर जा चुके हैं, जिसके कारण अब ये बैंक्स उन लोगों को जिनको एक्चुअली में जरूरत है उनको पैसे कम लेंड कर पा रही है. और इनफैक्ट कुछ बैंक्स ऐसे भी थे जो कि बंद तक हो गए. लेकिन एक बार जरा खुद से ये सवाल पूछो कि आखिर इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये जो सारा पैसा चोरी होकर गायब हुआ ये पैसा आखिर था किसका? जी हाँ, आप लोगों का. क्योंकि जब इन बैंक्स के एनपीएस बढ़ने लगे, ये बैंक्स लॉसेस में जाने लगे तो इन बैंक्स के एनपीएस को कवर करने के लिए और इन बैंक्स को रनिंग रखने के लिए गवर्नमेंट ने इनको पैसे दिए, वो पैसे जो आप और मेरे जैसे लोग टैक्स भरते हैं. सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, रिसेशन के टाइम पर भी कुछ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस ने कुछ पॉलिसीज का फायदा उठाकर इस देश से 13 लाख करोड़ रुपए लूट लिया है. एंड क्योंकि हमारे देश के अंदर जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है तो ऑल ऑफ देम नो फॉर अ फैक्ट कि कुछ भी हो जाए, कितने भी साल केस चलता रहे, हमारा कुछ नहीं होने वाला.
बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप आसान हिंदी भाषा में स्टॉक मार्केट और फाइनेंस सीखना चाहते हो तो आप आदित्य सैनी फाइनेंस हमारा ये चैनल भी चेकआउट कर सकते हो जहां पर मैं आपको आसान हिंदी भाषा में फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की वो चीजें बताता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। और हाँ, अगर आप इस वक्त गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो एंड यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट देन अड्डा 24/7 आपको डेफिनेटली इस चीज में हेल्प कर सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू चेकआउट अड्डा 24/7। लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है।